मौसम में हुए बदलाव ने मध्य प्रदेश में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सोमवार रात तेज हवा, बारिश के साथ गिरे ओले ने खेतों में गेहूं, चना और सरसों की फसल आड़ी कर दी है। बुरहानपुर की बात करें तो जिले में तरबूज, गेहूं, चने, केली, मक्के की फसल बर्बाद हो गई है, जिसके बाद किसानों ने मुआवजे के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई है। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। ये हमने सभी तहसीलदार से जानकारी प्राप्त की है। अभी हमको नेपानगर नावरा क्षेत्र से नुकसानी की जानकारी आई है। नेत्रांतिक सर्वे के लिए हमने संबंधित तहसीलदारों को आदेशित किया है। वो हमको शाम तक रिपोर्ट देंगे कि किस तरीके से कितनी नुकसानी कहाँ पर हुई है। कई पटवारी ऑलरेडी फील्ड में उतर चुके हैं, बाकी हम अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को एक्टिवेट कर रहे हैं। में ओलावृष्टि होने के कारण चने की फसल हमारी नष्ट हो गई है, गेहूँ आड़ा गिर गया है, तो हमारा कहना है कि शासन की तरफ से हमें कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। किन किन फसलों का नुकसान हुआ है? गेहूँ, चना, मक्का और कई कई आंधी से केलियाँ गिर गई है, तो हमारा कहना है कि ग्राम बम्बाड़ा में सर्वे करने के लिए आए और लोगों की सहायता राशि में कुछ मदद हो जाए तो अच्छी बात है।